हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल वाला व्लॉग मैंने रात को डाला था, बड़े अच्छे व्यूवर्स आए हैं। और सबसे पहले बिग शाउट आउट माज भाई को, उन्होंने मेरे गोलगप्पे चैलेंज पे भी कमेंट किया है 2x स्पाइसी नूडल्स का करें। तो इंशाल्लाह मैं एक दो दिन में कर लूँगा जब तक बारिश रुकेगी। तो बिग शाउट आउट माज भाई को। अभी सुबह मैं उठ गया था, सुबह जल्दी लेकिन बारिश हो रही है। और अभी मैं सोचा है खुद अंडा बनाने की कोशिश करूं। दूसरे तो बन जाते हैं लेकिन वो योक वाला जो होता है वो नहीं बनता। चलें आज मैं ट्राई करता हूं मेरे से बनता है या नहीं, तो मैं आपको किचन में जा कर मिलता हूं। A few moments later. हेलो गाइस, मैं वापस आ गया हूं। तो अभी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, चलें अब मैं ट्राई कर लेता हूं। दूसरा फेंकने वाला तो आता है सारों को, लेकिन ये योक ना टूट जाए। योक बाद में करूंगा, पहले देखता हूं बनता है या नहीं। मैं ले लूं एक मम्मा, दो आज बच्चे बनाओ बनाओ जी, बना लेना आप दोनों खाने के लिए। दोनों ही खा लो, अरे आज ना लोगे तो आज बहुत जिद कर रहे थे कि मैं मेरी खुद बनाऊंगा, और काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं हाथ जल जाएगा। लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं, अगर बच्चों को हम ट्राई करने देंगे तो ही बच्चे कुछ कर पाएंगे ना। तो ये नादिर क्या बना रहे हैं? बाद में कमेंट नहीं, नहीं नहीं कमेंट नहीं आता है। आप इधर मुंह करेंगे अपना, ये देखिए ये बना रहे हैं, ठीक है। और इसको पकने दे पहले, रुक जाए, ये कच्चा है ना, ये कच्चा है, इसकी साइड चेंज जब करेंगे तभी पक जाएगा। साइड इसकी भी साइड बता हल्का सा पक गया। थोड़ा कैसा फील हो रहा है कुकिंग करते हुए? बड़ा गंदा है, गर्मी में। तो फिर आ जाओ, मैं बना लेती हूं। अब बनाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए इस तरह, ताकि मैं यहाँ से आपका फेस भी ले लूँ। अभी मैं ली को रोटियाँ भी बनानी सिखाऊंगी ताकि मामा का बर्डन थोड़ा कम हो जाए ना। अभी पकने दे इसको। आपने फ्लेम कितना किया देखें, जैसे स्लो फ्लेम है। मामा तेज़ नहीं करूँगा, कुछ और ही ना बन ले। अच्छा, बाकी जो बच्चे आपको देख रहे हैं तो सब देख रहे हैं, उनको भी बोले ना कि मामा की हेल्प किया करें नहीं ऐसे आना जाने, छोटे बच्चे ट्राई करने की कोशिश करें। हाँ छोटे बच्चे तो ये बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश नहीं करें, जब उसको डालते हैं तो ये छींटे बहुत मारते। अच्छा मुझे भी डर लग रहा है। अब आप हटे, मैं चेंज कर देती हूँ साइड। आप देख लें, नहीं नहीं आप ये ना, आप यहीं खड़े हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे साइड चेंज करते हैं। जान ये देखें, ये देखें जी, ये अली भाई का एग बन रहा है, और ये अली भाई का एग चेंज होगी साइड। मैं वापस आ गई हूं, पकड़े दे पकड़े दे। अभी साइड मैंने खुद किया इसको, एक तो मुझे अंडे पे है वो रेड चिली पाउडर अच्छा। और यहां से अब हम अली भाई को प्लेट भी देंगे, और ये लीजिए जी ये प्लेट आ गई। इसको यहां पे रखते हैं। यहां एक बार गाइस, मैं छोटा था, मैं ऐसा किया, मम्मा गर्मी थी ना तो भेजी, तो मैं सुबह उठाऊं तो मेरे पास प्लास्टिक की प्लेट थी, तो मैंने क्या किया, अंडा मैंने सारा बना लिया फैलने वाला। जैसे इसको यूं करता मुझे नहीं पता, अभी जो ये साइड वो चूल्हे के अंदर जा रही थी तो मैंने यहां से पकड़े, सीधा प्लेट नीचे मेरा सारा अंडा है। उस दिन के बाद से मैंने तीन बार बनाया। अच्छा, तो डिनर सेट की प्लेट आपने जलाई थी? जी। चलो इसी बहाने पता चल गया ना मुझे, तो मैं यही सोच रही थी कि प्लेट किसने जलाई है। चलिए जी, हो गया तैयार है, ठीक हो गया, साइड चेंज हो गई, बस ठीक है, पक गया। पक गया पुत्र, ये प्रेस क्यों करते हैं ऊपर से, ये भी बताए ना, क्योंकि ये रेड रेड हो जाए और थोड़ा पतला हो जाए, क्योंकि योग ऐसे अच्छी नहीं लगती सारों को, मुझे कुछ नहीं अच्छी लगती ऐसे। कैसे इसलिए मैं प्रेस कर रही हूं? कैसे अच्छी नहीं लगती योग? मतलब फिर थोड़ी सख्त नरम नरम की और कठी रह जाती है। इसको यूं देखें ना, यूं करेंगे तो ये योग रेड हो जाएगी, ये देखिए और देखें फिर रेड आ जाएगा नीचे। बस अब आज के बाद घर के सारे अंडे ली बनाएंगे, ठीक है बाबा, ठीक है। पानी डाल के तो पीते नहीं है, एग बनाएंगे। ये जी शौकिया एग बन रहा है आज, चलें बता देते हैं इसको। तो गाइस, आपने मेरे बेटे के वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं मेरे को, और मेरा बच्चा देखें कितनी मेहनत कर रहा है। चिली पाउडर डाल दीजिए जी, चिली पाउडर नहीं, ज़्यादा सा नहीं, ये स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता बाबा। नहीं बस बस थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालो, ब्लैक पेपर बचा नहीं, बस ब्लैक पेपर तो खाता नहीं, थोड़ा सा डाल दो। ये चिली फ्लेक्स, बस 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 बस, और अब थोड़ा सा नमक सॉल्ट, ठीक है थोड़ा सा डालिएगा, बस थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बस बस ये डाल दिया तो फाइनल। अब कुछ ऐसा रिजल्ट आया देख लें, अब मैं आपको अंदर जाता हूँ, पराठे के साथ टेस्ट करके बताता हूँ, तो मैं अंदर जाके मिलता हूँ। तो गाइस अभी ये सब कुछ बन गया, साथ मेरा ये पराठा आ गया, तो अब मैं टेस्ट करता हूँ। गाइस ये पराठा नहीं है, ये नान है, नान पे वही ऑयल हो गया तो पराठा ही बन गया। तो सबसे पहले योग से टेस्ट करता हूँ, ये एक बाइट मैंने ले लिया। कैसा है? तो गाइस बड़ा अच्छा बना लिया मैंने तो बड़ा अच्छा है, अब मैं खा लूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। और माज भाई थैंक यू सो मच, आपने कमेंट करके चैलेंज का बताया, आप और कमेंट करें ताकि मैं और अच्छे चैलेंज करूं। तो एक दो दिन में मैं आपके लिए वो चैलेंज भी ले आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।